नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ड्रोल टू क्लिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अपने टाउनशिप अकाउंट के अंदर बिना पैसे खर्च किए कॉइन और कैश को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ एप्लीकेशंस की मदद लेनी होगी, और जैसा कि आपको पता होगा कि उसके लिए हमारा फ़ोन रूटेड भी होना चाहिए। तो दोस्तों, हम रूटेड करने के लिए इसका बाईपास ऑप्शन देखते हैं, और उस ऑप्शन को आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीमोस प्रो है, तो मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद हम टाउनशिप उसमें प्ले करेंगे। तो चलिए आपको साथ ही प्रोसेस बताते चलते हैं। तो हमने टाउनशिप को इंस्टॉल कर लिया है, चलिए हम इसमें एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एंटर कर लिया है, और हमें टाउनशिप कैश या कॉइन प्राप्त करने के लिए गेम गार्डियन एप्लीकेशन की मदद चाहिए होती है। तो हम इसको भी ओपन कर लेंगे। इसे स्टार्ट कर लिया हमने। इसके बाद हम टाउनशिप गेम को प्ले करेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अभी टाउनशिप की होम स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी हमको पहले गेम गार्डियन को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं, गेम गार्डियन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये अपने आप प्रोसेस कर लेगा, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम टाउनशिप को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम वापस आएंगे। अब ये वापस आने के बाद हम चलेंगे हेलीकॉप्टर अड्डे पर। तो इस हेलीकॉप्टर में हम आ चुके हैं मैप पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हम किसी एक पिन को सिलेक्ट करेंगे। चलिए तो हम इस पिन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ आइटम्स हैं जो इस ये रिक्वायर कर रहा है। चलिए हम इसको पहले स्किप करेंगे, लेकिन इसको हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कॉइन कितना है और एक्सपी कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी कॉइन दिखा रहा है 20 और एक्सपी दिखा रहा है 72। तो हम गेम गार्डियन में इसे वैल्यू को ऐड करेंगे। चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐड वैल्यू ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार में आने पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे आखिरी में यहाँ पर सर्च का आइकन है। इस पर क्लिक करके और यहाँ पर अभी वैल्यू को ऐड कर देना आपको। तो यहाँ पर हमारी कॉइन की वैल्यू थी 80। तो हम इसको यहाँ पर टाइप करके और इसे सर्च में डाल देंगे। तो यहाँ पर न्यू सर्च लिख कर आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिवार्ड नाम का जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ये सर्च हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को दोबारा से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे। अब ये डिलीट हो रहा है। अगर आपके पास कैश है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वेट कर लीजिएगा, या फिर गेम गार्डियन द्वारा आप स्किप कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम इसको फिनिश करेंगे। हमारे पास कैश है, अभी यहाँ पर नई वैल्यू आ गई है। तो हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे। जहाँ पर हमने 80 लिखा था, वहाँ पर अब हम यहाँ पर जो लिखा हुआ वैल्यू उसको एंटर करना है। तो यहाँ पर 138 लिखा है, तो हम इसको वहाँ पर एंटर कर लेंगे। तो फिर से हम आएंगे गेम गार्डियन के अंदर, और यहाँ पर 138 लिखकर रिफाइन कर देंगे। यहाँ पर जो रिफाइन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अभी ये सर्च नहीं कर पाया है, क्योंकि वैल्यू बहुत हैवी हो गई थी। तो हम किसी दूसरी वैल्यू को यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए, हम ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 169 लिखा हुआ है, हम इसको एंटर करके देखते हैं। तो चलिए हम इसको एंटर करेंगे, 169 लिखकर न्यू सर्च कर देंगे। फिर से हम इसको डिलीट करेंगे। दोस्तों, जब तक आपका यहाँ पर सर्च नहीं हो जाए, तब तक आप इसको दोहराते रहिएगा। तो इसको हम फिनिश करके नई वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से आ गया है वैल्यू, तो 159 इसको हम इस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सर्च होके आ गया है। तो चलिए, हम कॉइन प्राप्त करने के लिए इसके अंदर एंटर करेंगे।
एंटर करने के लिए आपको इस पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा और साइड में जो लिखा हुआ है गो टू, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको कॉइन प्राप्त करने के लिए इन दोनों एड्रेस को, इनकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इनकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे इसके ऊपर वाले में जैसा कि मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। इसको आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको ये विंडो दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर आने के बाद डीवार्ड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबको हटाकर जीरो एंटर कर देना है और उसके बाद यस कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे वाले यानी कि जिस वैल्यू को अभी चेंज किया है उसके नीचे जस्ट आपको इस पर भी वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू एंटर की जाएगी उस वैल्यू को आपको ध्यान में रखते हुए एंटर करना पड़ेगा कि आपको कितना कॉइन चाहिए। तो जैसे कि मुझे 1000 कॉइन चाहिए या फिर उससे ज़्यादा चाहिए, मैं यहाँ पर एंटर कर लूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 1158 कॉइन एंटर कर लेता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम वापस जाकर देखेंगे कि ये वैल्यू ऐड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू ऐड हो गई है। अब हम यहाँ पर इसे सेंड करते ही 1158 कॉइन प्राप्त कर लेंगे। तो इससे पहले जो इसकी वैल्यू थी 159 थी, अब ये 1158 हो चुकी है। दोस्तों इस टाउनशिप कॉइन के अलावा हम टाउनशिप कैश भी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको फिर से गेम गार्डियन के अंदर जाना पड़ेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर का जो लाइन है उसके नीचे ये जो है, जो दोनों लाइन हैं यानी जो वैल्यू है, ये टाउनशिप कैश के लिए है। तो दोस्तों आपको कैश प्राप्त करने के लिए फिर से आपको येलो लाइन के नीचे जो है इस वैल्यू को क्लिक करना है और डिवाइड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जीरो एंटर कर देना है। तो चलिए यस कर देते हैं। अब उसके नीचे जो है यहाँ पर टाउनशिप का कैश प्राप्त करने के लिए आपको नीचे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको फिर से दिखा दें, इसको क्लिक करना है और डिवाइड को सिलेक्ट करके आपको टाउनशिप का जो भी कैश चाहिए आप उसको प्राप्त करना। तो इसके लिए आपको जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन हम कम वैल्यू भरेंगे ताकि हम पर कोई टाउनशिप किसी प्रकार का बैन ना लगाए। अगर आप ज़्यादा एंटर कर देते हैं तो आपका गेम बैन हो सकता है। तो यहाँ पर हम 581 यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और यस कर देंगे। तो इतना वैल्यू भरने के बाद अब हम जाकर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना हमें टाउनशिप कॉइन और कैश प्राप्त हो चुका है। इसे पाने के लिए हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे और इसे बाय कर लेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टाउनशिप कॉइन और कैश ऐड हो चुका है। और इसी प्रकार से आप बार बार कई बार इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप एक साथ ही बहुत सारा कैश या कॉइन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपका गेम बैन हो सकता है। तो दोस्तों तो आपने सीखा कि किस प्रकार से हम कॉइन और कैश प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।